श्री बलराम पूर्णिमा महोत्सव में हम विशेषकर बलराम भगवान का स्मरण करते हैं प्रतिदिन हम बार बार खेते हैं महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे राम 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 हम कहते हैं महामंत्र में राम बोलने से हम क्या कौन समझते हैं समझते हैं द्यास के सूत श्री रामचंद्र जी जरूर और दो राम हैं एक है जिनका खासियात हम आज करते हैं एक और है परशुराम और बहुत, बहुत 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 राम है आज तक बहुत लोग हैं भारत में जिनका नाम है राम परंतु भगवान राम के तीन रूप है रामचंद्र और परशुराम। अराशुर बालोराम कौन है दो मुख्य उत्तर है ये प्रश्न का एक है भगवान कृष्ण के बड़े भाई और दूसरा उत्तर है बलराम परम पुरुष भगवान है बड़ी विचित्र बात है <laughs> भगवान कृष्ण के बड़े भाई वो कैसे संभव है भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पिताम अजत माथ पिता पितामह भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे पूरे जगत के लोग के माता और पिता है तो कैसे किसी दूसरा व्यक्ति उनके बड़े भाई हो सकते हैं और गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं मथा पर अतरमान नान्यत खिंचित धनंजय मेरे ऊपर कोई नहीं है मेरे समान भी नहीं है कोई उपनिषद एक भाषा है असमूद्धवा उनके ऊपर और समान कोई नहीं है तो कैसे संभव है कि भगवान के बड़ा भाई है तो रामलीला में भी है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भगवान है चार रूप में भगवान है जिनमें रामचंद्र जी ज्येष्ठ है ऐसा होता है भगवान की दिव्या लीला में ये सब बात समझना जड़ सामान्य बुद्धि से संभव नहीं है भगवान विशाल है अप्रमेय है एक शब्द है अप्रमेय अर्थात इनको माप करना हमारी छोटी बुद्धि से भगवान को माप करना संभव नहीं है और यदि हम यदि हम बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे बुद्धिमान हो तब भी हम भगवान को मार्प नहीं कर सकते भगवान हमारी बुद्धि के अतीत है भगवान जैसे है वैसे ही है भगवान का स्वभाव हमें शास्त्र से सीखना चाहिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान वैसे नहीं हो सकते हम कौन है हम बहुत 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 ठूच और भगवान बहुत, बहुत 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 महान है केवल उनकी कृपा से हम उनके बारे में थोड़ी तो सी बात समझ सकते हैं बात यही है हम शास्त्र और महान महान वैष्णव आचार्यों की शिक्षा से हम समझ सकते हैं कि भगवान परम पुरुष है परम पुरुष का मतलब वे परम पुरुष का मतलब तो हम पुरुष है नहीं हम छोटे पुरुष है और भगवान महान पुरुष है परम पुरुष वे पुरुष है और इन और उनमें जैसे हमारे बहुत कामने हैं भगवान के कामने भी हैं फरक है कि हमारे सब कामना भौतिक है दूषित है और भगवान की दिव्या कामनाएं से पूरे जगत के लोग का कल्याण साधित होते हैं और भगवान की कामनाएं की पूर्ति करने में भगवान की लीला प्रकट होते हैं भगवान की लीला के बारे में श्रवण करने से हम जो अभी भौतिक स्थिति में हैं पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठ शयनम हम जो संसार चक्र में फंस गए हैं हम भगवान की लीला कथा सुनने से हम पवित्र हो सकते हम पवित्र हो सकते हैं हम सभी प्रकार के भौतिक दूषण से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की कृपा से हम भगवान के धाम लौट सकते हैं भगवान के बड़े भाई हैं बलराम कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं पहले राम भगवान के मुख्य सहायक भगवान लक्ष्मण थे छोटे भाई लक्ष्मण राम की आज्ञा पालन करे थे और इसलिए लक्ष्मण का बहुत दुख सहाना पड़ता था क्योंकि लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी कि राम भगवान वनवास करेंगे लक्ष्मण सोचते थे यदि मैं बड़ा भाई था मैं राम को आदेश दे सकता था वनवास नहीं करना इसलिए लक्ष्मण लक्ष्मण सोचते थे कि अगली बार मैं भगवान के बड़े भाई के रूप में आऊंगा तो बलराम कृष्ण के बड़े भाई होते हुए भी उनके सेवक होते हैं बलराम बड़े भाई हैं परंतु वे आत्मा अभिमान करते हैं कि मैं कृष्ण के सेवक हूँ क्योंकि ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या कृष्ण स्वयं भगवान है और और सब जीव और सब अवतार भी सब कृष्ण के सेवक है तो हम और भी क्या कहते हैं बालो राम भगवान है वो कैसे ही संभव है भागवत गीता से भागवत से हम जो स्कन के प्रचारक है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत के संग हम बार बार जोर से प्रचार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है शास्त्र से हम प्रमाण देते हैं गीता से भगवान कृष्ण कहते हैं मथह पर नान्यत् नान्यत खिंचित धनंजय हे धनंजय हे अर्जुन मेरे ऊपर कोई दूसरे नहीं है अहम सर्वस्व प्रभवो मथ सर्व प्रवर्तते मैं कृष्ण भगवान कहते हैं मैं पूरा जगत और सब कुछ जो है सब कुछ जो है मैं सब चीजों के मूल श्रोत हूँ ब्रह्म संहिता से सर्व कारण कारणम मूल कारण सब चीज़ों की मूल कारण कृष्ण हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम इस प्रकार भगवान शब्द की भारी भाषा हम समझ सकते हैं शास्त्रों से और खस श्रीमद् भागवत से हम सुनते हैं कृष्ण भगवान स्वयं तो इसमें और क्या संदेह है कृष्ण भगवान है तो कैसे हम बोल सकते हैं कि बलराम भगवान है कितने भगवान है भगवान का मतलब भगवान एक है सबके ऊपर अगर दो भगवान है तो कंपटीशन हो जाएगा नहीं <laughs> जो संभव नहीं है भगवान सबके ऊपर है ये रहस्य हम कैसे समझ सकते हैं हम शास्त्र और वैष्णव आचार्यों की शिक्षा से समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है कृष्ण परम पुरुष है कृष्ण परम व्यक्ति है परंतु एक ही व्यक्ति होते हुए भी चूंकि वे भगवान है और उनकी असंख्य शक्तियां है इस इसलिए भगवान एक व्यक्ति होते हुए भी अनेक रूप धारण कर सकते हैं अनेक व्यक्ति जैसे हो सकते हैं यही सब संभव है भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा यदि हम सोचते हैं कि भगवान हम जैसे सीमित है कुछ महान कार्य कर सकते हैं परंतु कुछ कार्य है जो भगवान नहीं कर सकते हैं यदि हम वैसे ही सोचते हैं तो वास्तव में हम भगवान में सच विश्वास नहीं करते हैं हम नास्तिक हैं भगवान शब्द का अर्थ है कि वे अचिंत्य है अर्थात सब कुछ कर सकते हैं ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमारी बुद्धि हमारी हमारी कल्पना के अतीत है तो इस प्रकार कृष्ण भगवान है स्वयं भगवान कृष्ण एक कृष्ण भगवान है और कृष्ण का एक और रूप है बलराम। कृष्ण भगवान है और बलराम भी भगवान है एक ही व्यक्ति दो रूप में परंतु दो व्यक्ति जैसे है ये सब बात समझने संभव है बलराम की कृपा से कृष्ण की कृपा से कृष्ण की कृपा से कृष्ण की कृपा कैसे कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त होती है प्राप्त होती है गुरु के द्वारा बलराम कौन है आदि गुरु चैतन्य महाप्रभु की लीला में बलराम नित्यानंद के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बताए आप सब नीच लोग पापी पतित लोग के बीच जाकर सब का उदाह करो आदि प्रचारक है चैतन्य महाप्रभु की लीला में आदि प्रचारक नित्यानंद बलराम प्रभु है आदि गुरु बलराम कैसे आदि गुरु है कृष्ण भगवान है और गुरु कौन है जो सिखाते हैं कृष्ण की सेवा करना सब जीव का एकमात्र धर्म और कर्तव्य है जो वैसे सिखाते हैं वो व्यक्ति गुरु है तो प्रथम गुरु प्रथम शिक्षक बलराम है इसलिए गौरव वैष्णव का विचार में सब गुरु बलराम के प्रतिनिधि है और बलराम से सब गुरु बलराम से बल मिलते हैं अच्छिछय शक्ति से भगवान कृष्ण की अचिंच्य शक्ति से उनके शिष्यों को ज्ञान और भक्ति प्रदान करना गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है और विशेषकर बलराम का बल प्राप्त करके एक व्यक्ति गुरु का कार्य करते हैं शिष्यों को भक्ति प्रदान करते हैं बाल बल का मतलब बल शक्ति और राम का मतलब आनंद राम का मतलब जिससे आनंद प्राप्ति होती है तलराम शब्द का सरल अर्थ यही है कि बालाराम बलवान है आध्यात्मिक बल से और आनंद प्रदायक है खस कृष्ण को आनंद देते हैं और हमको भी चूंकि सब वैष्णव गुरु के द्वारा बलराम कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं इसलिए हमें बलराम की कृपा से आनंद मिलता है भक्ति आनंद बलराम का बाल आध्यात्मिक बाल। शास्त्र में श्रुति में कहा गया है न्याय आत्मा बला ही नहीं लभ्य अर्थात आत्मा को समझना बल होने चाहिए कुछ स्वामी ऐसे ही कहते हैं कि इसलिए जिससे हम आत्मा भगवान को समझ सकते हैं इसलिए हमें मांस करना चाहिए जिससे शरे, जिससे शारीरिक बल आ जाएगा और कहते हैं कि भगवत गीता पाठ करने से अच्छा हो फुटबॉल खेलना क्योंकि फुटबॉल खेलने से शारीरिक बल प्राप्त होते हैं और उसके बाद हम योग्य हो सकते हैं गीता पाठ करने के लिए जो ऐसे कहते हैं विवेकहीन है आध्यात्मिक विवेक बलहीन है, है। शास्त्र में बताया गया है न्याय आत्मा बलहीन लत्म प्राप्ति बल के हीन बल के बिना आत्म प्राप्ति भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है उसका मतलब नहीं है कि शारीरिक बल से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं उसका अर्थ नहीं है यदि वैसे अर्थ था तो एक शेर न हाथी तो सबसे बड़ा संत होता इसका मतलब आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक बल बालराम से मिल जाते हैं बालराम कृपा माय है क्योंकि बालराम की कृपा से हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं इसलिए यही दिवस पर बालराम पूर्णिमा पर आज खस हमें भगवान बलराम से प्रार्थना करने चाहिए कि मैं बलहीन हूँ मैं सामान्य तुच्छ जीव हूँ मैं भगवान आपकी माया शक्ति से पीड़ित हूँ मैं नहीं जानता हूँ मेरा कर्तव्य क्या है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं प्रयास करता हूँ भक्ति करना फिर भी काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि दूषण से मैं भक्ति से बहुत दूर रहता हूँ इसलिए आज विशेषकर हम भगवान बलराम की कृपा याचना करते हैं हे hey बालाराम आप मेरे गुरु के द्वारा आप मुझे आपकी कृपा प्रवर्शन कीजिए जिससे मैं बालहीन जो हूँ आपका आध्यात्मिक बल मिल के यथेष्ट शक्ति से ये सब रिपु दुश्मन काम क्रोध इत्यादि के ऊपर जीत सकेगा हम बहुत छोटे हैं बलराम महान है बलराम बहुत कृपा है नित्यानंद प्रभु के रूप में विचार नहीं करके कौन पुण्यवान है कौन पापी है कौन शिक्षित विद्वान है कौन मूर्ख है कौन हिंदू है कौन अहिंदू है कौन बड़ा है कौन छोटा है उस प्रकार विचार नहीं करके नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का आदेश शेरा आध्या करके हर एक घर जाकर सब को कहते हैं भज गौरंग कहो गौरंग लहो गौरंग नाम रे जन गौरंग भज सैमो प्राण रे क्या हुआ पूरी धाम में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को आदेश दिया बंगाल के सबको बताओ हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना तो लौटना का समय नित्यानंद प्रभु सोचते थे कि कृष्ण नाम बोलने से ये सब पति जीवों का क्या उपकार होगा ऐसे लोग पवित्र कृष्ण नाम कहने के लिए योग्यता नहीं है सबसे महान और दयाल अवतार श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु है ऐसे नित्यानंद प्रभु सोचते थे बलराम नित्यानंद इसलिए नित्यानंद बलराम संकल्प किए मैं सबको बातूँगा गौरंग नाम चैतन्य नाम कीर्तन करना उससे उनका परम फायदा होगा चैतन्य महाप्रभु का आदेश शास्त्र का आदेश कृष्ण नाम कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे इथि सौराशम नामनम खि कलमस नाशनम नाथ पर सर्वेदेश दृश्य थे खली संथन उपनिषद में प्रमा जी उनके मानसपुत्र और शिष्य नारद को बताए कि कलि युग में हरे कृष्ण महामंत्र कि बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है सर्वश्रेष्ठ उपाय एकमात्र उपाय कलयुग के लिए एक हरे कृष्णा हरे रामा कीर्तन करना शास्त्र का आदेश है चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कृष्ण कीर्तन करना परंतु नित्यानंद प्रभु आदि गुरु बलराम सोचते थे कि कृष्ण नाम परम सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु का नाम से फथित जीवों का और भी उपकार होगा इसलिए हम नित्यानंद प्रभु बलराम नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों के आदेश शेरा आराध्या कीर्तन करते हैं कैसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन करते हैं पंच तत्व का कीर्तन करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों के साथ आते हैं पहले हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैजग राधा आदि गौर भक्त वृंद कीर्तन करते हैं और उसके पश्चात हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा 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 राम, हरे हरे इस प्रकार कीर्तन पूर्ण होते हैं हम सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु बलोराम नित्यानंद प्रभु और उनके सब पार्षदगण से हम आशीर्वाद याचना करते हैं और उसके बाद हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन करने के पहले हम श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कीर्तन करते हैं क्योंकि शिल प्रभुपाद की कृपा के बिन्ना बलराम कौन है कृष्ण कौन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है इन सब बातों से हम बहुत दूर रहते बलराम की लीला कथा बहुत है प्रोपाद की परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पुस्तक में बलराम की लीला कथा मिलती है बलराम भगवान का जन्म रहस्य वो है किस प्रकार पहले देव की का घर में प्रवेश किया उसके बाद योग माया की शक्ति से देवकी का गर्भ से रोहिणी माता का गर्भ में प्रवेश किया और अल्य लीला कृष्ण की बाल्य लीला के साथ बालराम भी उपस्थित थे और बहुत सहायता की और अज मथुरा और द्वारका में ये तीन मुख्य लीला स्थानों कृष्ण के सब तीनों स्थानों में बलराम उपस्थित थे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए कभी कभी बलराम कृष्ण को उपदेश देते थे बड़ा भाई जैसे कभी कभी भगवान कृष्ण के साथ नाचते थे दोस्त जैसे और कभी कभी बलराम भगवान कृष्ण की सेवा की दास जैसे तो इस प्रकार बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं दास्य भाव में साख्य भाव में और बाद साल भाव में और पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकट करके बलराम शांत रास्ते कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं और एक बहुत गुहिया बात है कि माधुर राति में भी भगवान बलराम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं श्रीमती राधा रानी की छोटी दुहिता छोटी बहन के रूप में अनंग मंजरी तो इस प्रकार बालाराम आदर्श गुरु है आदि गुरु क्योंकि वे सभी प्रकार सेवा कृष्ण की करते हैं और इस प्रकार चरितार्थ करके कहते हैं किस प्रकार भगवान की सेवा करना इसलिए आज काश हम बलराम भगवान का स्मरण करते हैं बलराम की लीला कथा कहते हैं सुनते हैं और बलराम के चरण पर हम प्रार्थना करते हैं इनकी कृपा प्राप्ति के लिए हे बलराम हे बलराम भगवान हमको कृपा प्रभाषन कीजिए जिससे हमें शक्ति मिलेगी आ भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे